नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे महंगे घरों के बारे में। इन घरों का दाम देखकर तो आप भी सोचेंगे, ये घर तो सपने में भी नहीं देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है ज़ेनेडू 2.0, जो कि बिल गेट्स का घर है, जिसकी कीमत है $127 मिलियन, जो कि लमसम 1,000 करोड़ रुपए होते हैं। इसमें 7 बेडरूम्स, 24 बाथरूम्स और एक अंडरग्राउंड गैराज भी है, जिसमें 23 कारें आराम से पार्क हो सकती है। एक मैसिव लाइब्रेरी भी शामिल है। इसमें कटिंग एज 60-फुट स्विमिंग पूल भी है, हाईटेक जिम और 2500 स्क्वायर फीट का थिएटर भी है। और इस घर की एक खास बात यह है कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, जिससे आप एक रिमोट से इस घर की पूरी लाइटिंग और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 9 पर है ब्रोकन ऑरेंज। ब्रोकन ऑरेंज उत्तरी वायोमिंग USA में स्थित है। इस घर की प्रॉपर्टी 35,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जिसमें 5 बेडरूम, 7 बाथरूम, स्पेशियस ऑफिस एरिया के साथ एक इंडोर स्विमिंग पूल भी है। इस रेंज की खूबसूरत दिशाओं में हरी घास के मैदान, ऊंचे पहाड़ और प्राकृतिक नदियां शामिल है। ब्रोकन ऑरेंज का मुख्य घर एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल है। इस घर की कीमत है $132 मिलियन, जो लमसम 1100 करोड़ रुपए होते हैं। और ये घर पहाड़ों और नदियों के बीच स्थित है और इसका वातावरण भी बहुत शांत है। नंबर 8 पर है द ओडियन टावर पेंट हाउस, जो मोनाको में है। इस घर की कीमत 2755 करोड़ रुपए, जो कि मोनाको का फेमस स्काई स्क्रैपर है। इसकी ऊंचाई लगभग 170 मीटर है और इसका कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू हुआ था और 2015 में पूरा हुआ। ये टावर एक लग्जरी रेजिडेंटल बिल्डिंग है, जिसमें हाई एंड अपार्टमेंट्स और पेंट हाउस है। ओडियन टावर की डिजाइन में ग्लास और स्टील का यूज किया गया है, जो इसको मॉडर्न और अट्रैक्टिव बनाता है। इसमें 60 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर अलग अलग साइज के लग्जरियस फ्लैट है। इस टावर में विशेष सुविधाएं भी है, जैसे कि स्विमिंग पूल्स, स्पा, जिम और इसके पेंट हाउस में 5 फ्लोर्स है और सभी में मॉडर्न फैसिलिटीज है। ओडियन टावर पेंट हाउस मोनाको का एक एपिडोम ऑफ लग्जरी है, जो इलाइट क्लास के लोगों के लिए एक ड्रीम होम है। नंबर 7 पर है अपर फिलिमोर गार्डन्स, जो लंदन में है। इस घर की कीमत लगभग 1,068 करोड़ रुपए है। इस घर में 10 बेडरूम है और इसका इंटीरियर भी काफी लग्जरियस है। फिलिमोर गार्डन्स एरिया लंदन के प्राइम लोकेशंस में से एक है और इसके पास कई शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और कल्चरल अट्रैक्शंस है। अपर फिलिमोर गार्डन्स में कुछ 150 बड़े और मजबूत महल है, जो विक्टोरिया और एडवेरियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने हैं। यहाँ की प्रॉपर्टीज काफी महंगी होती है और इस एरिया में लग्जरी लिविंग का मजा लिया जा सकता है। और इस एरिया में वास्तु के अनुसार डिजाइन की गई है और इसमें स्पेशियस रूम्स, हाई सीलिंग्स, ग्रैंड एंट्रेंस और गार्डन्स के साथ ये प्रॉपर्टीज यूजली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और सेलिब्रिटीज के लिए है। नंबर 6 पर है पैलाजो डी अमोरे, जो बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में है। इस घर की कीमत लमसम 1600 करोड़ रुपए। इस घर में 12 बेडरूम्स है और एक बड़ा सा गार्डन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और एक प्राइवेट विनियार्ड शामिल है। ये आउटडोर एमिनिटीज रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट के लिए एक शांत और पिक्चर सेटिंग प्रोवाइड करते हैं। ये स्टेट एक प्रमुख लग्जरी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है, जो दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक है। पैलाजो डी अमोरे का निर्माण सन 2000 में शुरू हुआ था और 2014 में पूरा हुआ। इसके ओनर और डेवलपर जेफ ग्रीन है, जो कि एक अमेरिकन रियल इस्टेट बिजनेसमैन है। इस स्टेट का एरिया लगभग 25 एकर्स में है और इसमें विला, गेस्ट हाउस और बहुत सारे हाई एंड एमिनिटीज शामिल है। नंबर 5 पर है एलिजन स्टेट, जो कैलिफोर्निया में है, जो कि इसके ओनर लैरी एलिसन के नाम पर रखा गया है। इस घर की कीमत लगभग $200 मिलियन, जो 1670 करोड़ रुपए होते हैं। विला का एरिया लगभग 8,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें 7 बेडरूम्स, 9 बाथरूम्स, ग्रैंड लिविंग एरियाज, हाई सीलिंग्स और टॉप क्वालिटी फिनिशेस शामिल है। इस विला का डिजाइन मेडिटेरियन स्टाइल का है, जो कि लेविश इंटीरियर्स और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। साथ ही साथ इसमें स्टेट ऑफ आर्ट किचन शामिल है। यहाँ से ब्रेथ टॉकिंग व्यूज और पीसफुल सराउंडिंग्स का आनंद उठाया जा सकता है। इसकी कीमत भी एस्ट्रोनॉमिकल है, क्योंकि यह हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी है, जो लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी का एक एपिटोम है। नंबर 4 पर है फोर फेयरफील्ड पॉन्ड, जो न्यूयॉर्क में स्थित है। इस घर की कीमत लगभग 2000 करोड़ रुपए है। फोर फेयरफील्ड पॉन्ड का निर्माण सन 1990 में शुरू हुआ था और इसका कंस्ट्रक्शन 2003 में पूरा हुआ। इस स्टेट का एरिया लगभग 63 एकड़ में फैला हुआ है और इसको वास्तुशास्त्र के अनुसार डिजाइन किया गया है। विला का एरिया लगभग 25,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें 29 बेडरूम्स, 39 बाथरूम्स, ग्रैंड लिविंग एरियाज, 8 गैलरीज,
लाइब्रेरी और टॉप क्वालिटी फिनिशेज शामिल है। इस विला का डिजाइन यूरोपियन स्टाइल में है, जो कि क्लासिकल आर्किटेक्चर और लग्जरियस इंटीरियर से भरा हुआ है, और यहाँ का नजारा भी किसी से कम नहीं है। इस प्रॉपर्टी का एक खास अट्रैक्शन है उसका प्राइवेट पॉन्ड, जहाँ पर वाटर एक्टिविटीज और फिशिंग के लिए भी अरेंजमेंट्स है। नंबर 3 पर है विला लेस सेट्रियस, जो कि फ्रेंच रिवीरिया में है। इस घर की कीमत है $450 मिलियन, जो कि लमसम 3,700 करोड़ रुपए होते हैं। इस घर में 14 बेडरूम्स है और एक खूबसूरत स्विमिंग पूल भी है। विला लेस सेट्रियस की रिच हिस्ट्री भी उसकी यूनिकनेस को दर्शाती है। ये स्टेट पहले एक रॉयल रेजिडेंस था और अब एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो लग्जरी लिविंग का एक एपिटोम है। इस विला का इंटीरियर ट्रेडिशनल फ्रेंच स्टाइल में है, जो कि एंटीक फर्निशिंग, शैंडेलियर्स और आर्टवर्क से भरा हुआ है। विला लेस सेट्रियस के गार्डन्स भी बहुत ही सुंदर है, जिसमें सेंचुरी ओल्ड सीडर ट्रीज, एक्जोटिक प्लांट्स, फाउंटेन्स और टेरेस्ड लैंडस्केप्स है। इस प्रॉपर्टी का वाटर फ्रंट लोकेशन भी काफी खास है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के नजदीक स्थित है, और समुन्दर के पास अगर घर हो तो सोचो कितना मजा देगा वो। नंबर 2 पर है एंटेलिया मुंबई। ये मुकेश अंबानी का घर है, जिसकी कीमत लगभग $2 बिलियन, जो कि 16,000 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। ये 27 मंजिला घर है, इसमें सभी सुविधाएं हैं जो कि एक श्रेष्ठ घर में होनी चाहिए। यह मुंबई के अब स्केल एरिया में स्थित है और सिटी के स्काईलाइन को डोमिनेट करता है। अंबानी जी के घर से अरेबियन सी और मुंबई सिटी का काफी अच्छा व्यू देखा जा सकता है। एंटीलिया एक सिंबल है लग्जरी, प्रोस्पेरिटी और इनोवेशन का। मुंबई में ही नहीं, ये पूरे इंडिया की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसकी कीमत और यूनिक डिजाइन ने इसे देश और विदेश के लोगों की निगाहों में शानदार बनाया है। और नंबर 1 पर है द बकिंगम पैलेस, जो कि लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध और आइकॉनिक रॉयल रेजिडेंस है, जिसकी कीमत लगभग $4.9 बिलियन है, जो कि 40,000 करोड़ रुपए होते हैं। ये क्वीन एलिजाबेथ का ऑफिशियल लंदन रेजिडेंस है और ब्रिटिश मोनार्की का एक मुख्य स्थल है। बकिंगम पैलेस का निर्माण 1703 में शुरू हुआ था और इसका कंस्ट्रक्शन 1837 में पूरा हुआ। इस पैलेस का एरिया लगभग 8,30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसमें 775 रूम्स है, जिसमें 19 स्टेट रूम्स, 52 रॉयल और गेस्ट बेडरूम्स, 188 स्टाफ बेडरूम्स, साथ ही साथ 92 ऑफिसेस और 78 बाथरूम शामिल है। इस पैलेस का आर्किटेक्चर स्टाइल नियो क्लासिकल है, जो कि स्टनिंग फसाड, ग्रैंड एंट्रेंस और इंट्रिकेट डिटेल से भरा हुआ है। इसके गार्डन्स भी बहुत ही सुंदर है, जिसमें फाउंटेन्स, लॉन्स और एक्सोटिक प्लांट्स है। पैलेस का फ्रंट कोर्ट यार्ड चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी के लिए फेमस है। बकिंगम पैलेस के स्टेट रूम्स, जैसे कि थ्रोन रूम, व्हाइट ड्रॉइंग रूम और बाल रूम, रॉयल इवेंट्स, स्टेट बैंक्वेट्स और ऑफिशियल सेरेमनीज के लिए किए जाते हैं। इस पैलेस का इंटीरियर रॉयल आर्ट्स, एंटिक्स और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स से भरा हुआ है। पैलेस के ठीक सामने विक्टोरिया मेमोरियल है, जो कि क्वीन विक्टोरिया के याद में बनाया गया है। और बकिंगम पैलेस लंदन के टूरिज्म का एक मेजर अट्रैक्शन है और हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स इस महल को देखने आते हैं। और हमने 50 फेमस IPL प्लेयर्स की कारों पर भी बात करी है, वो भी देख लेना।